ये लो, इन्होंने निकाल दिया। थैंक यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और मुझे जाना है पानी डालने के लिए। बस मैं जाती हूँ प्लॉट में पानी डालने के लिए। अभी मैं सुबह सुबह पानी डालने के लिए आई, टैंकी में मैंने पाइप डालने लगी तो पाइप मेरे जेब में, मेरा दूसरा फ़ोन था वो सीधे जाके टैंकी में गिर गया पानी की, और उसमें 8 फीट ऊँचा पानी है तो निकलना मुश्किल है। लगे हैं यहाँ पे। ये काला पाइप, ये वही पाइप है जिसकी वजह से मेरा फोन टैंक पे गया। पानी ठंडा है ना पानी। हाँ, अपना आप ऐसे ही, इनको जुकाम हुआ है फूफा जी, नहीं टाइफाइड वगैरह हो जाएगा, मत तू जाओ। पापा ने बोला है कि जो फोन निकालेगा उसको 100 रुपए इनाम मिलेगा। लगे हैं ये लोग। फूफा जी बोल रहे कि मैं निकालता हूँ, वो जिद पे लगे हैं और ऑलरेडी उनको जुकाम है। फूफा जी आप नहीं निकालोगे, आप नहीं जाओगे, आप कपड़े पहनो। लास्ट में फूफा जी जा रहे हैं। पानी कम नहीं है ना, पानी कम नहीं है, अभी कम हो जाएगा। हाँ, ठंडा नहीं हुआ, ठंडा तो नहीं है। हाँ, डूब के मुद्दा नीचे से दर्शन उसको पकड़ के ये लो, इन्होंने निकाल दिया। थैंक यू, निकल गया मेरा फ़ोन, ठीक है। थैंक यू सो मच भैया, इसको मुझे अभी ले जाना पड़ेगा। ये हालत हो गई मेरे फ़ोन की, अब जल्दी से भैया के लिए 100 रुपये लेके जाते हैं, उनको 100 रुपये इनाम था जो निकालेगा उसके लिए 100 रुपये। हो गया, वो लाया गमछा, गमछा लाया। हाँ, फ़ोन के हिस्से पुर्जे मैंने सब अलग कर दिए हैं, बाकी इसको मोबाइल सेंटर में तो लेके ही जाना पड़ेगा। और रोज़ मैं पानी डालती हूँ और आज ज्योति डाल रही है। मैंने ज्योति के लिए नाश्ता कर दिया है रेडी, उसको बहुत सारी सब्जी चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी, मतलब अलग अलग टाइप की सब्जी चाहिए होती है, इसलिए 3 टाइप की सब्जियाँ उसके लिए हैं और पराठा। बाकी ज्योति पराठा खाती है, मैं पराठा नहीं खाती हूँ। ये ले ज्योति। थैंक यू। अभी पापा और मैं आ गए हैं दुकान से सामान लेके, बाकी अब हम लोग जाते हैं ऊपर छत में और वही हमारा डेली का रूटीन, नींबू की चाट बनाना जाएंगे। अभी तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा रुक के बनाएंगे। खींचूंगी। दाद कहाँ गई थी, रात कहाँ गई थी, मेरे लिए क्या लाई वहाँ से शादी से, क्यों नहीं लाई मेरे लिए, कुछ क्यों नहीं लाई। मैंने जाते ही टाइम बोला था ना, बत्तर बत्तर ऐसे क्यों चल रहे हो, तोड़वा के ला गया टाई करने में। ओहो, डांस हो रहा था, डांस हो रहा था, स्टंट कर रहा था, हाँ गिर गया। ओहो, कितनी बड़ी लग गई थी, टूटा है मुक्का, देखा जा केन के कोर लो भाई। ज्योति ने पुलाव बना दिया है और अब हम चारों पुलाव खा रहे हैं, मैं, दक्ष, छोटी और ज्योति। क्या कर रहे हो, पुलाव खाई, कहाँ खाई, किसने बनाई, दीदी, कौन सी दीदी, ये वाली, नाम बताओ, नांटी। ठीक है फिर, चलो खाओ खाओ, जल्दी खाओ, गुड, फिर रोटी भी खाई, हाँ गिराना नहीं, हाँ नहीं, मैं ऐसे ही खींचूंगी, ऐसे, मैं ऐसे ही खींचूंगी, नहीं ऐसे, ऐसे देखा,
ज्योति जा रहे हैं अभी, हम लोग को जाना है हार्डवेयर वाले के यहाँ पे, क्योंकि कुछ घर का कुछ सामान लाना है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके लिए। मैं ज्योति का वेट कर रही हूँ बहुत देर से, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, पता नहीं कहाँ रह गई। जल्दी आ जा ज्योति, जल्दी आ जा ज्योति। तब तक आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। चलो अभी तो ज्योति को आने में टाइम है ना। आप ये बताओ, आप लोगों में से किसी का ऐसा फ़ोन गिरा है पानी में और गिरा है तो सही हुआ है या नहीं, ये बताओ यार। मुझे तो टेंशन हो रही सही होगा या नहीं। भले ही वो 8 साल पुराना फ़ोन है, लेकिन वो मतलब ऐसा है ना, उसके साथ एक अटैचमेंट है कि ये फ़ोन मुझे चाहिए ही चाहिए वो वाला। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि सही हो जाए और उसमें रुपये भी ना लगे। ये तो पॉसिबल नहीं है, रुपये तो लगेंगे लेकिन कम लगे। बाकी मेरा ये वाला फ़ोन ना इतनी बार गिरा है, इतनी बार टूटा है ना, मतलब फिर भी ये मतलब इसने मेरी मतलब मेरे साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग है इसकी कि कितनी बार गिरा लेकिन सही हो गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है, अभी भी सही होता है यानी। अभी लेके जाती हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम आ गए हार्डवेयर वाले के यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था यहाँ से कुछ सामान लेके जाना है जो घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो बस उसको लेके जाते हैं। कितने ये बोलना पड़ेगा? 500 के होंगे, तो 30 के हिसाब से दे। अच्छा, 6-30 के हिसाब से जाता है। हाँ बस इधर पे रख दो। तो हम लोग घूमने आ गए हैं यहाँ पे सोसाइटी में, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इसका एंटर गेट है, तो कितना प्यारा लग रहा था, इतने मस्त फ्लावर लगाए हैं। बाकी यहाँ पे अंदर भी बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। ज्योति अकेले अकेले जाने में लगी है मुझे छोड़ के। यहाँ पे आके सब लोग छोड़ ही देते हैं कि अकेले अकेले घूम लो, क्योंकि अकेले में ज़्यादा अच्छा लगता है। और ज्योति के हेयर्स, वाव यार, मतलब कभी कभी तो मुझे जलन होने लगती है कि इतने अच्छे बाल है इसके। देखो बच्चे यहाँ पे अभी दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे दौड़ने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग वॉक करने के लिए आते हैं, और बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने के लिए भी आते हैं। अभी देखना, बहुत मतलब मोस्टली यहाँ पे मतलब यूथ आता है, लड़के आते हैं ज़्यादा दौड़ने के लिए। मतलब आप सबको पता ही, उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा भर्ती होते हैं मिलिट्री में। तो देखो बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब हम लोग घूम लिए जितना घूमना था। आजकल बहुत ज़्यादा घर में रह रहे के मतलब ऐसा हो गया था कि हम लोग चल नहीं पा रहे थे, तो पैरों में बहुत दर्द होने लग गई थी। तो हम लोग घूमने के लिए आए थे, अब हम जा रहे हैं। ज्योति आगे चल रही है। ज्योति को हमेशा पता नहीं कहाँ को इतनी जल्दी भी रहती है, बस चलते रहती है। अभी मैं आई थी सूप लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे भैया की दुकान बंद है। बाकी दूध और रेवड़ी लेके गई ज्योति, बोल रही थी मुझे कुछ मीठा खाना है। तो मीठा मैंने सोचा क्या लेके जाऊँ, तो मुझे रेवड़ी दिखी, मैं वही ले आई, सबसे बेस्ट है। अंकल आप सूप बनाते हो? सूप ठीक है, ये भी नहीं बनाते हैं सूप। और वाले भैया की तो दुकान ही बंद है आज। आरती का टाइम हो गया है और आरती चल रही है, हम भी ज्वाइन करते हैं। अभी दिया बत्ती हो गई है, तो अब हमारी चाय बन गई है, अभी इवनिंग टी। मतलब हमारे यहाँ सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं तब हमें बेड टी मिलती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट टी मिलती है, ब्रेकफास्ट के बाद फिर ब्रेकफास्ट के बाद वाली टी मिलती है, फिर उसके बाद लंच टी मिलती है, फिर लंच के बाद वाली टी मिलती है, फिर लोग आए हैं वो वाली टी मिलती है, फिर गेस्ट आ गए हैं वो वाली टी मिलती है, फिर इवनिंग टी मिल जाती है, कभी कभी नाइट टी भी मिल जाती है जब हम काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए टी ही टी है, बस पीते रहो। और अब तो ठंडी है, अब तो ज़्यादा बनता है। मुझे ज्योति ने बोला कि रोटी बना, तो मैं रोटी बनाने के लिए आई, और मैंने एक रोटी इतनी बड़ी बना दी है, और वो रोटी मैं देने वाली हूँ पापा को। चलो देखते हैं पापा के क्या रिएक्शन होते हैं, उससे पहले मेरी रोटी देख लो आप। ये देखो बस तवे से कुछ इतनी थोड़ा सा बचे कि वो तवे तक नहीं गई, वरना पूरी इतनी बड़ी रोटी बनी है। चलो पापा के लिए मैंने दोनों रोटियाँ बहुत बड़ी बनाई हैं, मतलब एक नहीं, पापा ने बोला था मैं दो रोटी खाऊंगा, तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बना दी, वो पापा की 5 रोटियों के बराबर है। तो चलो पापा का रिएक्शन देखते हैं। पापा लो रोटी।
तुमने बड़ी भारी रोटियां बना लाई है। इतनी बड़ी रोटियां क्या बना के लाई? ये पांच रोटी के बराबर है। अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है, इतनी भारी रोटियां। आपने दो बोला था ना, तो दो ले आई मैं। दो तो पांच के बराबर है। डेली पांच खाते हो ना, इसलिए आज मैंने कहा दो ही खा लो। आज भूख नहीं लगी मेरे को। अच्छा चलो कोई नहीं, जितना खा सकते हो। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:36, और क्या हुआ कि कल रात जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो वीडियो एडिटिंग करते करते ही मुझे नींद आ गई। तो अभी 3 मेरी नींद खुली, तो मैंने वीडियो एडिटिंग शुरू की और अब मेरी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगाती हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो में कमेंट करो। बाकी अब हम आज सुबह मिलते हैं नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।